तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा YouTube के बारे में कि YouTube से पैसे कब और कैसे मिलते हैं और दोस्तों हमें क्या क्या करना पड़ता है और YouTube के जो है रूल्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप YouTube से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको अपना एक चैनल बनाना पड़ेगा। चैनल अगर आपको बनाना नहीं आता तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप देखकर सीख सकते हो। यहाँ पे चैनल बना के चैनल को वेरीफाई भी करना पड़ता है, तो उस वीडियो में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पैसे कैसे मिलते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब के जो नियम है वहाँ पे आप कोई कॉपीराइट वीडियो नहीं डाल सकते। अगर आप अपने चैनल पे कोई भी कॉपीराइट दूसरों का वीडियो कॉपी करके डालते हो तो वहाँ पे दोस्तों आप अगर मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो है मोनेटाइजेशन आन नहीं किया जाएगा और आपके जो है चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब कहता है दोस्तों कि आप खुद जब तक नहीं क्रिएट कर सकते, आपको जब तक खुद नहीं वीडियो बनाओगे हम पैसे देने वाले नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आपको अपना खुद का वीडियो बनाना सब जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद का वीडियो नहीं बनाओगे तो आपको जो है यहाँ पर पैसे मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे दोस्तों चैनल बनाना है, चैनल पे वीडियो अपलोड करना पड़ता है। वीडियो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि दोस्तों हम वीडियो अपलोड कैसे करें। फर्स्ट टाइम अगर दोस्तों पहला वीडियो आपको अपलोड करना है तो पहला वीडियो कैसे अपलोड करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहला वीडियो अगर आप यूट्यूब पर क्लिक करोगे, अपलोड पर जाओगे तो वहाँ पर ऊपर मांगेगा टाइटल, तो आपको वीडियो किस टॉपिक पर है उसका नाम देना पड़ता है वहाँ पर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों वीडियो के बारे में बता सकते हो कि हमने जो है वीडियो के बारे में ये बताया है, और वहां से आप दोस्तों वीडियो में देखकर ये सब सीख सकते हो, ये सब आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों तीसरे पे आता है टैग्स। टैग्स में दोस्तों आपको डालना पड़ता है कि YouTube का जो आपका वीडियो है वो किस टॉपिक पे है, उसी से रिलेटेड वहाँ पे आपको बहुत सारे टैग्स डालने पड़ते हैं। ताकि अगर मान लीजिए आपने वीडियो डाला, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं, तो इस पर मैं वहाँ पे टैग्स में डालूंगा YouTube से पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी YouTube। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ पे हम टैग्स डालेंगे, कामा लगा के वहाँ पे जो है स्पेस दे के फिर टैग डालेंगे, फिर कामा लगाएंगे, तो इस तरह से वहाँ पे डालते जाएंगे और वहाँ पे ढेर सारा हम टैग्स डाल देंगे, ताकि दोस्तों कोई सर्च करे तो उसी से रिलेटेड अगर कोई सर्च करे तो हमारी वीडियो जो है वहां पे उन तक पहुंच जाए। टैग्स दोस्तों वीडियो को सर्च करने में काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद आपको थंबनेल बनाना पड़ता है अपने वीडियो पे लगाने के लिए। जो वीडियो पे एक फोटो दिखाई देता है वो दोस्तों थंबनेल होता है, तो थंबनेल कैसे बनाए इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे आप इसका भी वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, तो आई बटन पर आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों थंबनेल डाल लेना है, लगा देना है, उसके बाद वीडियो को आपको अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद उसे पब्लिश कर देना है, और पब्लिश करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको जो है वीडियो अपना फेसबुक पे शेयर कर देना है ताकि थोड़ा बहुत व्यूज आ जाए। अगर फर्स्ट टाइम अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर आए हो तो अपलोड करोगे तो आपके जो है चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे, तो आपको व्यूज पाने के लिए फेसबुक पे या ट्विटर पे कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ेगा कि ताकि कुछ लोग देखें। अगर दोस्तों कुछ लोग देखेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इनकी वीडियो जो है लोग पसंद कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत देख लेंगे तो यूट्यूब आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप नए क्रिएटर हैं यूट्यूब पर, अगर आपने नया चैनल बनाया है, तो यूट्यूब वहाँ पर सपोर्ट करता है नए यूट्यूबर्स को और उनको जो है दो तीन वीडियो वायरल करने में मदद करता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो आपकी वीडियो जो है काफ़ी आसानी से वायरल हो जाएगी और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, और आपका चैनल जब ग्रो हो जाएगा दोस्तों तो वहाँ से आप जो भी वीडियो डालोगे उस पर व्यूज आने लगेंगे, और व्यूज जब आएंगे तो आपकी वीडियो धीरे धीरे चलने लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ से आप जो है अपने वीडियो को अपलोड करके अच्छा खासा व्यूज ला सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों फिर व्यूज आएंगे तो यहाँ पे YouTube के रूल्स हैं कि आपको एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच होना चाहिए। आपके चैनल पे जो भी वॉच होगा वो सिर्फ आपके वीडियो से होनी चाहिए। अगर आप कोई दूसरा वीडियो या कॉपीराइट वीडियो डालते हो, किसी का कॉपी करके डालते हो, उसे फिर बाद में डिलीट कर देते हो, तो वो वहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। जो भी जब मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर होंगे उसी वीडियो को देखा जाएगा। YouTube वहां पे खुद उस वीडियो को देखता है, उसके बाद जब उसे लगता है कि हाँ इस बंदे ने मेहनत की है, इसकी खुद की वीडियो है, तब उस पर मोनेटाइजेशन ऑन किया जाता है और फिर एड आने लगते हैं, उसके बाद वहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अर्निंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और यहाँ पे जब हमारे चैनल पे ऐड ऑन हो जाते हैं तो फिर जो है हम पैसे बैंक में कैसे
वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और आपके एडिशंस में $10 हो जाएंगे तो यहाँ पे यूट्यूब आपको एक पिन भेजेगा। तो उस पिन को गूगल एडिशंस के अकाउंट में वहाँ पे पिन को वेरीफाई करना पड़ता है। पिन वेरीफाई करने के साथ दोस्तों वहाँ पे आपको कोई अपना एक पहचान पत्र या कोई भी जो आपकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है वो सब वहाँ पे चल जाएगा। उसे डालकर और वहाँ पे आप अपना सही सही एड्रेस डालकर उस पिन को वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपका अकाउंट वहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप अपना ही बैंक अकाउंट ऐड करिए जिस नाम से आपने जो है अपना एडिशंस बनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों जब YouTube को लगेगा कि हाँ इसी बंदे का अकाउंट है, उसने अपना खुद का अकाउंट ऐड किया है, तब जब आपके एडिशंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएंगे तब वो आपके जो है बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। पैसे दोस्तों 21 तारीख या 22 तारीख के बीच में YouTube जो भेजता है, कभी भी भेजेगा तो आपको 20 के बाद 21, 22, 23 तक जो है आपके अकाउंट में भेज देगा। लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको जो वो भेजेगा तो 4 से 5 दिन बैंक में पड़ा रहता है, बैंक वाले उसके बाद जो है अप्रूव करते हैं तब ये आता है। तो पैसे हमारे अकाउंट में पहुँचते पहुँचते 28, 29, 30 तारीख तक भी हो जाता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। लेकिन यूट्यूब दोस्तों 21 या 22 को ही भेज देता है। यहाँ पर यूट्यूब जब भेज देता है उसके बाद बैंक में जो भी टाइम लगता है बैंक में पड़ा रहता है, इसकी वजह से टाइम लगता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।